जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानी है। निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकी तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम। भारत की राजधानी दिल्ली ऐतिहासिक एवं गौरवशाली नगरी है। दिल्ली सिविल लाइन के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1944 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में हुआ। आप बचपन से ही भक्ति भावना एवं सेवा भाव से भरपूर थी। आप स्नेह प्यार, दया, सहयोग आदि गुणों से भरपूर दानी महादानी आत्मा हैं। सत्य परमात्मा की खोज में आपको 1962 में कश्मीरी गेट दिल्ली से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। चित्र प्रदर्शनी के 84 जन्मों की सीढ़ी के चित्र ने
आपको प्रभावित किया? साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से पत्र व्यवहार के द्वारा आपको ईश्वरीय पालना मिली। जनवरी 1969 में आपको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ और फरवरी में पहली बार आपको हेडक्वार्टर माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वरीय मिलन मनाकर आपने अपने आप को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर किया। तब से आप कश्मीरी गेट, दिल्ली, जम्मू, आसाम, मुंबई, पुरी, भोपाल, चंडीगढ़, बीकानेर, कानपुर, लखनऊ, नेपाल आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2007 से सिविल लाइन दिल्ली में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 5 गीता पाठशालाओं में 300 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ था। संपन्न परिवार और आध्यात्मिकता धार्मिकता शुरू से ही थी परिवार में। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो हम दिल्ली में आए, कश्मीरी गेट में। पढ़ाई शुरू मेरी हुई, मैं विक्टोरिया स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी और घर में भी अपना आरती करना, पूजा करना, व्रत रखना ये भी चलता था। और वहाँ से भी जो हमारे को मिलती थी डिसिप्लिन की बातें, वो मुझे एक्यूरेट अच्छी लगती थी। ऐसा करते करते ये ज़रूर मेरे मन में आता था, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे, बेटे अब रात को सोते हो ना, पांव धुलाई करो और गुरु बाबा से कोई गलती करी है तो माफ़ी मांग करके और सो जाना। हम इसी रीति से करते थे। सुबह 5 बजे के बाद हम बिल्कुल नहीं, पहले ही उठ जाते थे और थोड़ी देर ईश्वर को याद करना होता था, उसके बाद कुछ भी करें। तो मेरे व्रत रखना नियम अनुसार ये सब चलता था, पर साथ में गुरुद्वारे भी मैं जाती थी, क्योंकि हमारे घर के साथ सरदार लड़कियां रहती थी, मेरी बुआ जी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ती थी। 3:30 बजे सुबह हम उठ करके गुरुद्वारे जाते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जब स्कूल जाती थी तो वहाँ बाइबल की बातें सुनाई जाती थी, लेकिन घर में मेरे मन में ये चलता था कि आखिर परमात्मा एक है तो वो कौन है? राम जी हैं, कृष्ण हैं, आदि आदि मेरे संकल्प चलते थे। ऐसा करते करते फिर मेरे को ये पता चला कि कुछ बहनें माउंट आबू से आई हैं और हमारे वहाँ पर भी आई थी सबसे पहले कश्मीरी गेट में। तो उनको देख करके, उनके चमकते चेहरे देख करके, हंसमुख चेहरा देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि मैं उनसे ये ज्ञान सुनूं। मैंने कोशिश करी वहाँ आश्रम जाने की, मैं प्रेम गली आश्रम में गई। 1962 की बात है, दोपहर का टाइम, मुझे नियम का पता नहीं था कि दोपहर को आश्रम खुलता है अपन। 2 बजे पहुंची तो वहाँ पर बहुत सुंदर मिडिल एज की दीदी जी थे, बहुत हंस करके प्यार से आओ आओ, उनके साथ एक और कन्या थी। तो मैंने जैसे ही पांव रखा मेरे को आवाज़ आई, जो तू चाहती थी वो तुझे यहाँ से प्राप्त होगा।
मैं इधर देखने लगी उधर देखने लगी, ये आवाज कहाँ से आई। खैर अंदर जब गई तो चित्र देखे, चार चित्र बड़े बड़े थे, उनमें से मुझे सबसे अच्छा चित्र सीढ़ी का चित्र लगा। मैं सोचने लगी मैंने इतने मंदिर देखे हैं पर ऐसा चित्र तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने कहा दीदी जी प्लीज आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। वो बोली ऐसा है, आज तो मैं आबू जा रही हूँ और वापस एक वीक के बाद आऊंगी, आपको सारा ज्ञान सुनाऊंगी। ठीक है, वो तो चले गए, पर मेरी अंदर में जो उत्कंठा ऐसी बनी रही कि बस दीदी आए एक दिन छोड़ करके फिर मैं गई, एक दिन छोड़ करके फिर गई दीदी जी। एक मुझे ये लगे जल्दी से मैं ये समझूं कि ये ज्ञान क्या है, कौन देता है। शीघ्र ही वहां पर एक मीटिंग थी बहनों की, 10-15 थी, जिनमें से ऑलराउंडर दादी थे, मोहिनी दीदी थी, सुदेश दीदी थी, बड़ी बड़ी जो अभी हैं वो थी, और भोग भी लगा। तो मेरे से ऑलराउंडर दादी ने पूछा बताओ कहाँ गए, मुझे तो पता नहीं था, मुझे इतना पता था कि परम धाम से हम आए हैं, बताया था। मैंने सोचा शायद वहीं गए। कुल मिलाकर के इतना अच्छा लगा, उसके बाद इतनी मैं जड़ से जुड़ गई जितना मेरे लौकिक परिवार सिंधी परिवार होने के कारण उनको ये इम्प्रेशन था कि वहाँ जो जाएंगे वो शादी नहीं करेंगी और वहाँ ही दादा की ही वहाँ रह जाएंगी। सचमुच मैं इतना योग करती थी, हालांकि थोड़ा थोड़ा समझी थी, पर मैं कहती थी बाबा अगर आप आए हो अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। बहुत 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 ध्यान लगाती थी। मेरे जब चाचा जी चले जाते थे ऑफिस में तो मैं जाती थी, समझती थी, कोर्स भी करा। उसके बाद तो मेरा जैसे दिन बढ़ता जाता लगन बढ़ती जाती थी, खुशी शक्ति प्राप्त होती जाती थी। बाबा के मेरे पास बहुत बहुत पत्र आए, मैं बाबा को पत्र लिखती थी बाबा मैं कब आऊंगी आपसे मिलूंगी। बाबा मुझे ऐसा पत्र लिखते थे कि पत्र मैं फिर पढ़ करके जैसे जैसे पढ़ती जाती थी और शक्ति आती थी। बच्ची तुम बस आई कि आई बाबा से मिलने के लिए, बच्ची बस शीघ्र ही आकर के बाबा से मिलोगी, तुम तो मीरा बच्ची हो, है मीरा बच्ची, ऐसे बाबा लिखते थे, मीरा बेटी शीघ्र ही मधुबन आकर के बाबा से मिलेंगी और पूरे संसार को ज्ञान देंगी। तो मैं जब बाबा का पत्र आता था और पत्र देख देख करके सोचती थी मधुबन कब जाऊंगी, फिर अंदर से निकलता था बाबा मैं कब आऊंगी। समय जा रहा है तुम कब चलोगे, चलता जमाना है तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे। सतयुग बीता त्रेता भी बीता, संगम पर आए सुनाने प्रभु गीता, उसकी ना सुनोगे किसकी सुनोगे। समय जा रहा है तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे। ऐसा चलते चलते एक दिन
रात्रि को मैं सो रही थी और मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा नीचे धरती पर लेटे हुए हैं और आजू बाजू में भाई बहने हैं। तो मैं एकदम से चौंक कर उठ रही, बाबा नीचे और मैं ऊपर पलंग पर सोई हुई हूँ। उसके बाद सारा समाचार मेरे को पता चला, मुझे ये सीन घर बैठे सारा बाबा ने दिखाया। बाबा के ये समाचार के बाद फिर अगले दिन क्लास में आए, मैंने उनको बताया। हमारे वहाँ जो आते थे एक सेठ ताराचंद था, मैंने उसको कहा बाबा व्यक्त हुए हैं करोल बाग में भोग, हम 12 ही दिन गए, वहाँ पर भोग लगता था। तो उसके बाद थोड़े ही दिनों में जैसे बाबा अव्यक्त हुए और मेरा मधुबन में जाना शुरू हुआ। मैं गई मधुबन में, बाबा की वो जो था ना बना था, मैं थोड़े टाइम में फिर मेरा मधुबन जाना हुआ और मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा, कैसे वहाँ पर बाबा का सब कुछ जो किया, और मैंने घर में देखा। मेरे को बाबा वहाँ इस रीति से मिले जैसे कि बाबा मेरे से सामने मिल रहे हैं, बच्ची तुम आ गई ना, बच्ची तुम आ गई ना अपने घर में। इस रीति से बाबा ने मेरे को बहुत प्यार से कहा। और फिर मैंने सारा मधुबन, हमारी बड़े दीदी दादियाँ भाई बहन, और उसके बाद मेरा अपना मधुबन आना जाना। फिर तो मैं बहुत जल्दी जल्दी मधुबन जाती थी। मैंने दादियों से हर बात सीखी, हर कला, हर गुण, हर शक्ति मैं उनसे पूछती थी। ऑलराउंडर दादी से मैंने पूछा, दादी आपका नाम ऑलराउंडर क्यों पड़ा? तो दादी बोले, ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरे को ऑलराउंड बच्चा जिसको सब काम आए। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल उनको खाना बनाना आए, पैरा देना आए, मार्केटिंग करने आए, किसी को बहलाना चाहिए सब। तो दादी मेरे को ऐसा कहते थे, तुमको सब कुछ सीखना है, हमने सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये सब बनना है। और बड़े दीदी प्यार का सागर और पूरा सिखाते थे। जब मैं गुड मॉर्निंग करने जाती थी तो दीदी मेरे को एक होमवर्क देते थे, कोई ना कोई एक प्रश्न देते थे, कहते थे रात को जब गुड नाइट करने आएगी ना तब इसका उत्तर बताना। और दादी के पास तो मैं जाकर के बहुत देर बैठती थी, सारा दिन की सेवाओं का समाचार सुनाती थी। तो दादी मेरे को इतने प्यार से बहुत सारे में प्रश्न करती थी कि दादी ये कैसे होता है, नज़र लगती है क्या, वो इस रीति से मान लो कोई बात आए तो हमारे को क्या करना चाहिए। दादी प्यार का सागर इतने प्यार से तरीके से सिखाती थी, कहती थी मीरा तुम इतने प्यार से उनको दृष्टि दे करके खाना देना कि उनको इतना अच्छा लगे, लगे कि हमारे को कौन खिला रहा है ना, और आपके व्यवहार से वाणी से उनको बहुत अच्छा लगे। इस रीति से मैं दादियों से दीदियों से सीखती थी, जो मुझे नहीं आता था मैं कोई भी बात उनसे क्लियर करती थी। गुलजार दादी मेरी बहुत बहुत प्यारी दादी, मेरे हर प्रश्न का उत्तर देने वाली दादी,
मेरे में दादी ने सहन शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ दादी के द्वारा मैं सीखी हूँ। दादी मुझे इतने प्यार से सिर पर हाथ रख कर के कहते थे, मीरा बिल्कुल सच्ची मीरा बनना है। बाबा के घर आने पर सेवा जब शुरू करी तो जो भाई बहन आते थे, माताएं आती थी, उनको थोड़ा आप सब समझते हैं कि भजन कीर्तन अच्छा लगता है, तो मैं उनको थोड़ा सा कोई उदास होता था या उनको कुछ प्रेरणा देनी होती थी तो कहती थी, विकारों में नफस बंदी अगर सतयुग में जाना है, विकारों में नफस बंदी अगर वैकुंठ चलना है, आया था पाठ बजाने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने, तू फंस गया मोह माया में इसी को घर बना बैठा, विकारों में नफस बंदी अगर सतयुग में जाना है। मैंने अपने जीवन में ये शुरू से ही एक धारणा रखी कि आलस्य कभी नहीं करना है। तो सचमुच जो हम लक्ष्य रखते हैं उसी पर खरे उतरते हैं, कुछ भी हो जाए कुछ भी, लेकिन जैसे समय पर सेवा आए मैं उस पर बाबा को बुलाती हूँ, बाबा पूरी मदद करते हैं, शक्ति देते हैं और वो अपना कार्य हम कर सकते हैं। अपना भविष्य बनाना है ना, पूरे कल्प की शूटिंग पीरियड है, तो ये थोड़ा समय इसमें मैंने ये लक्ष्य रखा है, आलस्य नहीं करना है। तो हमने अपनी मंजिल को पकड़ना है, घर जाना है। शुद्ध आत्मा आए थे और वापस शुद्ध आत्मा होकर के जाना है, तो हम आलस्य अलबेलेपन में ना रह करके अपने लक्ष्य को केंद्र बिंदु बनाएं, तब हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य सफल हो सकता है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी सर्व आत्माओं का भला करते चलो, संदेश देते चलो और अपने को पूरा अलर्ट रखो, निर्विकारी बनते चलो, बनाते चलो। मत जीवन गवा अब होश में आ, दो युग से तू सोया इंसान रे, देख धरती को स्वर्ग बनाने, फिर से भारत में आए भगवान रे, मत जीवन गवा, ये दुनिया है दो दिन का मेला, तुझे जाना पड़ेगा अकेला, तुझे जाना पड़ेगा अकेला, देह भान मिटा
सत ज्ञान दिया दी अपनी सही पहचान रे, देख धरती को स्वर्ग बनाने, फिर से भारत में आए भगवान रे, मत जीवन गवा। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। मुझे माँ जैसी पालना दी है और हर बात मेरी बात सुनती हैं, दिल की बात जान जाती हैं। दीदी के अंदर जो विशेष गुण है वो रमणीकता का है, लव और ला का सदा बैलेंस रखकर दीदी चलती हैं। मैं जब भी इनके संपर्क में आया, मैंने इनके जीवन में एक बहुत जबरदस्त सरल चित्र देखी और मन के बहुत साफ देखे। इनका जो प्यार मुझे भासता था, ऐसा लगता था सच्चा प्यार है। इनका तप, इनकी तपस्या, इनकी हर चीज देख करके मेरे जीवन में एक मुझे प्रेरणा मिलती थी हर पल हर क्षण कि मैं निश्चित रूप से बड़ा भाग्यशाली हूँ। किसी भी आत्मा में कोई भी कमी है, कोई भी गलती हो जाती है तो दीदी उसको क्षमा करके और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। दीदी एक बहुत ट्रांसपेरेंट है, जो चीज है वो फेस पर है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो जिससे कि ये भी लगता है कि दीदी प्यार तो माँ का देती हैं, लेकिन ज्ञान सिखाते वक्त वो गुरु हैं जो कि अच्छे तरीके से वो सिखाना चाहती हैं। सोलह कलाएं क्या होती है वो मैं किताबों में पढ़ता था, लेकिन वो दीदी में देखा मैंने कि वो कैसे कैसे पालना करने की कला क्या होती है। बहुत ही सरल नेचर के हैं दीदी, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम कहां कहीं फॉर्मेलिटी में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा दीदी सरल लिपि से हर बात को समझाते हैं। कोई समस्या कोई कुछ, दीदी के पास हम अपना समझ के, जैसे एक माँ के साथ हम अपना दिल खोल लेते हैं ना, उस हिसाब से हम दीदी से बात कर सकते हैं। और दीदी की पालना भी एक माँ से कम नहीं है। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, मीरा बहन ना बारंबार मिले, मीरा की दुआएं लेते जा मीरा ना बारंबार मिले। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि मीरा जैसी जो बात, जो पुरानी मीरा बाई जिसका जिक्र सारी दुनिया में होता है, मैं समझता हूं कि हमारी मीरा बहन उसी का साक्षात रूप है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे हैं से हम यही गा रहे। कराने वाला करार हार, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, रक्षा किए